कृष्णा कॉलेज ग्रुप से आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में मानवतावाद के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने प्रकृतिवाद को पढ़ा था, आज हम मानवतावाद के विषय में पढ़ेंगे। मानवतावाद क्या है, मानवतावाद की परिभाषाएं किस प्रकार से प्रयुक्त की जाती है। मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को और उसके विभिन्न पक्षों, कार्यों, इच्छा और उसके हित में की गई क्रियाओं को कहा जाता है। मैस्लो ने मानवतावाद को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया है, जैसे मानवतावाद शब्द का प्रयोग लेखकों ने भिन्न भिन्न रूप में किया है। इनमें से एक अर्थ है कि मानवतावाद ही मानव जीवन की और उसके द्वारा की गई क्रियाओं की उनको आधार मानकर भौतिक जीवन में सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके विषय में ज्ञान प्राप्त कराना है। ईश्वर जैसी कोई शक्ति वो मानते नहीं। सत्य ज्ञान के लिए अपने द्वारा की गई क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कोई अति मानवीय वास्तविकता अगर है तो मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाएं हैं। मानवतावाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार को प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं से निर्मित होती है। यह भौतिक जगत की सत्य है, वह ईश्वर परमात्मा आत्मा में विश्वास नहीं करते और न ही किसी आध्यात्मिक संसार को वास्तविकता मानते हैं। उनके अनुसार स्वर्ग नर्क जैसे कोई भी संप्रत्यय नहीं है और वह मानव जीवन को अपने जीवन को मूल स्वरूप स्वर्ग और नर्क के ज्ञान से विपरीत एक ऐसी जीवन धारा को मानते हैं जिसमें जीवन का मूल उद्देश्य अपने जीवन को सुखमय बनाने से होता है। मानवतावाद के मूल सिद्धांत इन संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं है। दार्शनिकों के अनुसार इस संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है। वह प्रकृतिवाद को प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं प्रकृति ने हमें दी हैं उनके द्वारा जो भी सुख हमें मिलता है उस सुख को हम कैसे अपने जीवन में और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करने में प्रयुक्त करते हैं वह सब वो मानवतावाद के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यह भौतिक जगत है, सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। मानवतावादी मानते हैं कि यह जो भौतिक जगत है जो इसमें हमें सुख सुविधाएं मिली है यही ही जीवन का मूल सत्य है। इसमें ना तो परमात्मा है, ना आत्मा है, ना ही कोई शक्ति है जो हमें अपने जीवन को जीने में एक तरीके से ये देखिए कि अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा या आत्मा कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ये कह रही है या हमें इस तरह की पूजा प्रदान कर रही है कि जिससे हम अपने कार्य को सकुशल कर सकें, पर मानवतावादी इस तरह की कोई विचारधारा को नहीं मानते। वे कहते हैं कि जो अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो ये जगत है भौतिक सुख मिल रहा है हमें यही मूल है, यही प्रकृति की देन है, अन्यथा कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। यानी कि परमात्मा आत्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं है। प्रकृति से हमें जो भी कुछ मिल रहा है हमें उसे ही अपने जीवन का सुख का आधार मानकर उसके द्वारा की गई क्रियाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सब तरह के सुख प्रदान करने की शक्ति देती है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मानवतावादी मानते हैं कि विचार को जो मनुष्य के भौतिक सुख के विषय में सोचता है उसकी दृष्टि से ईश्वर मनुष्य के इस कार्य में कोई सहायता नहीं करता है। अर्थात मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है तो ईश्वर नाम की जो भी शक्ति मानते हैं प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं उनका मानना है कि मानवतावादी इस बात को जो स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो व्यक्तियों को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है, उनके अनुसार ईश्वर नाम का कोई भी
उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। अगर प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा जो भी सुख और भौतिक वस्तुएं इंसान को मिली हैं, वही एक वास्तविक जगत है। मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। मानवतावादी विचारकों की दृष्टि से मनुष्य न केवल साधारण जीव है और न केवल मशीन, अपितु वह विवेकशील प्राणी है, रचनात्मकता है और उसके विकास की असीम संभावनाएं उसमें युक्त होती है। मनुष्य का विकास उसके स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। मानवतावादी मानते हैं कि अगर मनुष्य है और उसका विकास, तो वह उसी के ऊपर निर्भर करता है। वह किस प्रकार से इस भौतिक युग में उन भौतिक वस्तुओं का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, वह सब प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त करता है। पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाता है, कुछ व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करता है, व्यवसायिक ज्ञान से वह अपने भौतिक जीवन में व्यवसाय की ओर अग्रसर होता है, कुछ ऐसे कार्य करता है जिनसे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिससे वह इस आध्यात्मिक सुख को न मानकर वास्तविक जीवन में जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त कर सके और अपने इस जीव जगत अपने जीवन में प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सके। अब मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? सुखपूर्वक जीवन जीना। अगर मानवतावादी इस बात को मानते हैं, तो वह यही मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, वह अपने जीवन को सुखमय बनाना होता है। अपने जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये भौतिक सुख जो हमें वस्तुओं द्वारा संतुष्टि से प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय मूल्यों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे मानवतावादियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार के सभी मनुष्य वस्तु जगत से ही अपने जीवन के भौतिक को सुख और उनकी वस्तुओं द्वारा अपने भौतिक सुख के जीवन को यापन करते हैं। अब समष्टि के हित की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि अगर हमें अपने भौतिक सुख का जीवन का सुख लेना है भौतिक वस्तुओं द्वारा, तो जो ये प्रकृति है हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसी के द्वारा पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। अब पर्यावरण अगर हमारा सही रहेगा, पर्यावरण हमारे अनुकूल रहेगा, पर्यावरण साफ स्वच्छ रहेगा, तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हमें पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। अब मानवतावादी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर मनुष्य को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है, तभी उनके मानवीय मूल्यों को भी पहचानना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इनकी दृष्टि से सबकी अच्छाई गुड फॉर ऑल सबसे अच्छा होता है मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। इन्होंने प्रेम और सहयोग पर सबसे अधिक बल दिया है। वे चाहते हैं कि मानवतावाद दूषित ना होकर एक स्वैच्छिक शब्द हो। मानवतावाद यानी मानव एक दूसरे के साथ सहयोग से रहें, अपने जीवन को सुखमय यापन करें और प्रकृति की रक्षा करें। अब राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना होता है। मानवतावादी राज्य द्वारा व्यक्ति के शोषण के विरोधी है। अब जितने भी उनकी दृष्टि से राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही समष्टि के हित की रक्षा यानी व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है कि मनुष्य के मानवीय अधिकारों की भी रक्षा हो सके और उन्हें मानवीय कार्यों की ओर प्रवर्तित करा जा सके। उनकी दृष्टि से यह सब तभी संभव है जब लोकतंत्र संभव हो सके। मानवतावादी लोकतंत्र प्रणाली के प्रवर्तक रहे हैं, उन्हीं के समर्थक रहे हैं और वह प्रकृतिवाद के भी समर्थक रहे हैं। मानवतावाद और शिक्षा।
करते हैं, वह वैज्ञानिक जीवन को सुखमय बनाने में विश्वास करते हैं। उनकी दृष्टि से यह तभी संभव होता है जब सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग से रहे, एक दूसरे के हितों की रक्षा करें, एक दूसरों के साथ आपसी सहयोग से अपना जीवन जिए। यह मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह सभी के लिए है। प्रकृति ने अगर कोई भी वस्तु दी है सभी के लिए दी है। पानी सभी के लिए है, सभी के लिए पेड़ पौधे हैं, उनकी हवाएं हैं, जितना कुछ भी संसार में प्रकृति के द्वारा दिया गया है वह सभी के लिए है। उसमें किसी के लिए कोई भी अलग अलग तरह के कोई भी कार्य नहीं है कि यह सब आपके लिए है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने सबको समान रूप से अपने सुख सुविधाएं दी है, ठीक है। मानवतावादी शास्त्री मनुष्य की भावात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक बल देते हैं। वैज्ञानिक मानवतावादी जो भौतिक वस्तु जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं, परंतु इस सब के लिए मानवतावादी व्यक्तियों की शिक्षा पर आवश्यक बल देते हैं। वे कहते हैं कि अगर इन सभी सुख सुविधाओं का और इन सभी प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब मानव शिक्षा की ओर अग्रसर हो। शिक्षा को तो महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं मानव जगत की जीवन की जीने के लिए। वे चाहते हैं कि हर एक प्राणी शिक्षा को ग्रहण करे, आध्यात्मिक सुख को भी माने, पर सबसे ज्यादा वह भौतिक सुखों की ओर अग्रसर रहते हैं। वह इस बात पर बल देते हैं कि जो प्रकृति की देन है उसका सुख अगर मनुष्य प्राप्त करना चाहेगा तो वह शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उन्हें हर तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य की शिक्षा की पूरी रूपरेखा और उसका वर्णन संक्षेप रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा के संप्रत्यय। शिक्षा के संप्रत्यय। मानवतावादी केवल स्कूली शिक्षा को ही महत्व नहीं देते, वे अब बच्चों के परिवार, समाज और विद्यालय आदि किसी भी स्थान पर किसी भी समय जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही शिक्षा मानते हैं। अब मानवतावादी के अनुसार शिक्षा, बच्चे आस पड़ोस से प्राप्त ज्ञान, बच्चे एक दूसरे के सहयोग, खेल कूद में खेलते हैं जब बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह एक दूसरे के सहयोग से बहुत कुछ नई बातें सीखते हैं। सहयोग के अनुसार जो सीखा हुआ ज्ञान है मानवतावादी उस ज्ञान पर अधिक बल देते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति में रहने के बाद बच्चे अपने ज्ञान का और ज्यादा विकास कर सकते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी और सुंदर और प्रगतिशील बनाती है। अब मानवतावादी इस बात को मानते हैं कि जो बच्चे हैं वे सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा वह उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा। हर तरह की बातचीत के द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के संभाषण या संप्रेषण की तकनीक के द्वारा बहुत से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी ही हर बात को सीख लेते हैं, परंतु जितने ज़्यादा सृजनशील बच्चे होते हैं वह एक दूसरे के साथ सहयोग से समूह में अपने सभी ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और एक दूसरे के साथ जो क्रियाओं द्वारा ज्ञान मिलता है वह उसे बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं। अब मानवतावादियों के अनुसार ज्ञान को जितना ज़्यादा सहयोग और एक दूसरे के संपर्क में रहने से सीखा जा सकता है तो वह ज़्यादा जल्दी अर्जित होता है। अर्जन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखा गया ज्ञान हमेशा स्थायी ज्ञान होता है। शिक्षा के उद्देश्य। हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? शिक्षा के मेन उद्देश्य होते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, आध्यात्मिक हो या प्राकृतिक हो,
जिस प्रकार का भी ज्ञान हो अस्थाई रूप से बच्चों को मिले, जो उसे सीखते हैं। बच्चे जो संप्रत्य द्वारा सीखते हैं वो एक अर्जन ज्ञान है, लेकिन अस्थाई ज्ञान जो बच्चे एक दूसरे के अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है स्थाई ज्ञान को प्राप्त करना। मानवतावादी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना होता है, उसे सृजनशील, प्रगतिशील और परिवर्तित ज्ञान पर बल देना, उनके विकास पर बल देना, ज्ञान द्वारा उनके संपूर्ण विकास बालक का तभी होता है जब वह प्रकृति द्वारा प्रकृति के संपर्क में आने से, एक दूसरे के सहयोग में रहने से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बौद्धिक दृष्टि से उन्नत और मानवीय मूल्यों का विकास तभी संभव है जब बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब मानवतावादी तो इसी बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक संसार कोई नहीं है, अगर कुछ है तो प्रकृति के द्वारा है। अब जो प्रकृति द्वारा ज्ञान प्राप्त है वह सुख समृद्धि द्वारा है, ठीक है। वे विश्वास करते हैं कि यह तभी संभव होता है जब बच्चे आपसी सहयोग के द्वारा, मनुष्य एक दूसरों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान, उत्पादन, एक दूसरे के साथ मेलजोल, सहसंपर्क, वितरण, निपुण ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह सहयोग से रहते हैं। इन सब उद्देश्यों को आज हम अपनी भाषा के निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास मनुष्य के लिए, मानवतावादी ने शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। बौद्धिक विकास से तात्पर्य उसमें तर्क शक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। अब बच्चे तर्क वितर्क करेंगे तभी तो वह ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हर बात को हाजी मान करना, हर बात को ये किस तरीके से हुआ है, ये और किस तरीके से हल हो सकता है, किस तरीके से हम इस समस्या का समाधान एक तरीके से ना करके दो तरीके से कर सकते हैं, सृजनशील बालक इसी तरीके से अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मानवतावादी, उनका तर्क है कि उत्तम स्वास्थ्य के अनुभव को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मनुष्य कोई कार्य कर सकता है और तर्क के अभाव में यह कार्य नहीं कर सकता। किसी भी क्षेत्र में सही निर्णय तभी ले सकता है जब वह शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है। अब शिक्षा दोनों पक्षों में होती है, आध्यात्मिक भी और अध्यात्मिक, परंतु उनके अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी बौद्धिक महानता की अनुभूति कर सकता है, उसमें बौद्धिक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, अब मानवतावादी शास्त्रीय मानवतावादी व्यक्ति एवं समाज के निरंतर उत्थान में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये मानव समाज की संस्कृति के पुनरुत्थान के पक्षधर हैं, ये संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं, इसलिए संकीर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना के स्थान पर विस्तृत सामाजिकता की भावना को महत्वता देते हैं। सभी मनुष्य इस प्रकार से सामाजिक नैतिकता उत्पन्न करने पर बल देते हैं, जिससे सामाजिक कर्तव्य के जो भी सामाजिक कर्तव्य हैं उनके प्रति मनुष्यों को जागरूक किया जा सके और उन्हें जागरूक बनाने पर बल देते हैं। इन सबकी दृष्टि से इस प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से ही मानव मात्र को सुख की प्राप्ति हो सकती है। मानवतावादी मानव के सुखमय जीवन जीने पर बल देते हैं। उच्च मानवीय मूल्यों का विकास, मानवतावादियों के अनुसार सबकी अच्छाई सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। प्रेम, सेवा, भाव, सहयोग, इन सभी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है तो वह सुखमय जीवन जी रहा है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन सभी मानवीय मूल्यों की आवश्यकता एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी मदद करती है। जितना से
उतना ही व्यक्ति का जीवन उच्च बनता है, शिक्षा उसे संवारती है और मानवीय मूल्यों का विकास व्यक्ति के विकास में पहली आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए और ये कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कब कब किस तरीके से अपने जीवन के भौतिक सुख को प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन की क्षमता का विकास। मानवतावादियों के अनुसार मनुष्य की मूल आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक तो भावात्मक, दूसरी होती है वस्तुगत। अब जो भावों द्वारा इंसान दूसरों के भाव को समझेगा तो वह उसके द्वारा की गई क्रियाओं के कार्य को समझेगा, परंतु अब भावात्मक जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास आवश्यक होता है, साथ ही उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास कराना भी संभव होता है, उतना ही आवश्यक होता है जितना कि भावात्मक विकास। वस्तु जगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें मानव के उपयोगी होने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष बनाता है और शास्त्रीय मानवतावादी मनुष्य को विज्ञान के अधीन करने का विरोध करते हैं, परंतु वैज्ञानिक मानवतावादी विज्ञान के मानवतावादी प्रयोग का समर्थन भी करते हैं। सृजनात्मकता का विकास। मानवतावादी मनुष्य को जन्म से ही सृजनशील एवं प्रगतिशील बनाने पर बल देते हैं। अब वे शिक्षा को इस चीज का साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा व्यक्तियों की मूल शक्तियों का विकास किया जा सकता है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान मनुष्य के लिए स्थायी ज्ञान होता है। अनुभव द्वारा अर्जन किया गया ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, परंतु यह सृजनवादी मानव मात्र की अच्छाई के लिए आवश्यक मानते हैं और मानवता को शिक्षा की ओर अग्रसर होने पर बल देते हैं।